से जाने का। हम निकल पाएंगे क्या यहाँ से? सो गाइस फाइनली मैंने शेव कर लिया है। देखो काफी लोग बोल रहे थे शेव कर लो शेव कर लो। मम्मी को भी मेरी दाढ़ी पसंद नहीं है। नहीं है ना पसंद? मेरे को तेरे बाल भी पसंद नहीं है। बाल तो ठीक है, अब तो छोटे हो गए, कटवा तो लिए थे। मम्मी को पसंद है बिल्कुल चिपके हुए बाल, तो उसमें तेल चपोड़ रखा हो, चंपू सा लग जाओ बस। तो देखो गाइस कुनाली रो रहा है फोन के लिए। ये देखो मेरे को मार भी रहा है। अब ये वीडियो में दिखेगा, सब देखेंगे। देखो फोन के लिए रो रहा है, को गंदे हाथ लग गई है फोन की। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुनाली आपको मैं प्लाट में फेंक दूं? प्लाट में फेंक दूं क्या? इसमें इसमें फेंक दूं? हां हां फेंक। आओ फेंक दूं? फेंक दूं? फेंक दूं क्या? हां फेंक दूं? हां क्या सो गाइस कुनाली का आज यहाँ पे लास्ट डे है। लास्ट डे है, कल जा रहे हो? आज मैं आपको इनके पापा जी से मिलाता हूँ, चाचा जी से। तो काफी लोग बोल रहे थे कुनाली के पापा जी से मिलाओ, ये आए हैं आज। हाय गाइस ये गांव में ही रहते हैं, वहीं पे करते हैं जॉब, और आज आए हैं कुनाली को लेने के लिए और चाची को लेने के लिए। तो कुनाली कल जा रहा है, कुनाली की बहुत याद आएगी हमको। तो जब मैं गाँव जाऊँगा ना, तब बनाऊँगा इसके साथ में और व्लॉग्स, तब दिखेगा आपको वीडियो में। जब मैं कर रहा हूँ एक कमीशन वर्क, जो कि मैं आपको दिखा नहीं सकता बिकॉज परमिशन नहीं है। इससे लास्ट वाला भी परमिशन नहीं थी, ये भी परमिशन नहीं है। आजकल मेरे कमीशन वर्क सबसे ज्यादा मिलते हैं यूट्यूब से, क्योंकि मैं व्लॉग्स में दिखाता हूँ ना, तो बोलते हैं बस दिखाना मत वीडियो में, आप बना दो। तो आजकल इंस्टाग्राम से ज्यादा नहीं मिलते। इंस्टाग्राम में मैं एक्टिव भी रहता था, तो अभी मैं कर रहा था, तो मेरे को जरूरत पड़ी इसकी, जो कि है बैटरी इरेजर। इसकी बैटरी खत्म हो रखी है, तो मैं जाता हूँ पहले बैटरी लेके आता हूँ, और शार्पनर्स भी ले आऊंगा चारकोल पेंसिल शार्प करने के लिए, अप्सरा वाले, वो भी खत्म हो रखे हैं। तो चलो चलते हैं। हाँ हाँ निकाल दो। ठीक है, अप्सरा वाला शॉपनर दे दो। क्या चीज है भैया ये? तो इरेजर है, इलेक्ट्रिक इरेजर। 100 तो गाइज मैंने सामान तो ले लिया है, अब थोड़ी देर घूम लेते हैं 10-15 मिनट, उसके बाद चलते हैं घर वापस और कंटिन्यू करूंगा मैं अपना कमीशन वर्क। थोड़ी देर ठहरते हैं यहीं पर ही और फिर चलते हैं वापस घर की तरफ। सो गाइज अभी मैंने कुछ देर पहले अपनी लेटेस्ट वीडियो पे ये कमेंट पढ़ा, और ये कमेंट पढ़ने के बाद लिटरली गाइज मेरे आंखों से पानी आ गया। ये वीडियो तो गाइज सबको पसंद आ रही है। सो गाइज थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। मेरे को और भी ज्यादा मोटिवेशन मिल चुका है आपके कमेंट्स देख के कि मुझे किस तरह कंटेंट और बनाना चाहिए। सो गाइज अभी हम देख रहे हैं बिहाइंड द सीन्स, जो कि मैंने कल व्लॉग अपलोड किया था, उसके बिहाइंड द सीन्स बहुत मस्त मस्त हैं। सब कुछ तो मैं व्लॉग में अपलोड नहीं कर सकता, बट इसमें हम देख रहे हैं अभी थोड़े बहुत आपको दिखाता हूँ। सुबह देखो कितना क्यूट लग रहा है कुनाली। कॉपीराइट आएगा। A few moments later. सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 11, और मैंने एक नया वर्क स्टार्ट कर दिया है A1 साइज पे, और मैं कंप्लीट इसे चारकोल पेंसिल से बनाऊंगा, जो कि ये कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल्स हैं। अभी मैं लेके आई अप्सरा के शॉपनर, जो कि आपने देखे, मैं पूरा बॉक्स ही उठा लाया बिकॉज इनको मैं यूज़ करता हूँ कैमलिन की जो सॉफ्ट चारकोल होते हैं ना, इसको शार्प करने के लिए बिल्कुल लॉन्ग पॉइंट मिल जाता है। तो मैंने सारी देखो बिल्कुल लॉन्ग पॉइंट कर लिया इनसे, और मैं कंप्लीट इन्हीं का ही यूज़ करूँगा इस वर्क में। ग्रेफाइट का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगा। वैसे तो मैं ये वाला यूज़ करता हूँ टॉम्बो का, ये काफ़ी मस्त है ग्रेफाइट के लिए, बट अगर मैं इसमें चारकोल यूज़ करूँगा ना तो ये खराब हो जाएगा बिकॉज चारकोल से ख़राब हो जाता है।
तो ये मैंने पूरा डब्बा इसलिए ले लिया। इसमें से मेरा एक शॉर्पनर ओनली 2-3 दिन चलेगा बिकॉज चारकोल से शार्प करते हुए खराब हो जाता है, बट ये काफ़ी टाइम से सही का सही है बिकॉज इसमें मैंने आज तक चारकोल से शार्प नहीं किया है और मैं करूंगा भी नहीं बिकॉज ये काफ़ी अच्छी वर्टिका है। ओनली ग्रेफाइट ही शार्प करता हूं मैं, तो इसलिए मैंने ये लिया ओनली चारकोल पेन से शार्प करने के लिए, वो भी कैमलिन वाली। और मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में या फिर इसकी मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूं कंप्लीट, जो कि आपने आर्ट वाले चैनल में अपलोड कर दूंगा, तो देख लेना नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस अभी मैं करता हूं इसको कंटिन्यू और मैं आपसे सुबह मिलता हूं बिकॉज कल कुनाली जा भी रहा है तो वो भी देखेंगे, बिकॉज आज तो कुछ ज़्यादा था नहीं ब्लॉग में, थोड़ा बहुत ही था तो कल का ऐड कर देंगे। तो ये तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, आई थिंक 5-6 घंटे लेंगे, उससे तो ऊपर टाइम नहीं लगेगा बिकॉज काफ़ी सिंपल सा है और कंप्लीट चारकोल से बना रहा, तो जल्दी जल्दी डार्क कर देंगे। तो चलो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ और आपसे सुबह मिलता हूँ। हे गाइस, सो दिस इज द नेक्स्ट डे और मैं वही आर्ट वर्क बना रहा था और आज कुनाली भी जाने वाला है, तो देखते हैं क्या सीन रहता है। हमको तो बहुत याद आएगी, अभी 1-2 घंटे बाकी हैं, 5 बजे की बस है तो उसके बाद अभी जाएंगे, बस स्टैंड पे मैं जाऊँगा शायद, तो देखते जो भी सीन रहेगा। तो चलो फिलहाल मैं वर्क कंटिन्यू करता हूँ और क्या बना रहा हूँ वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा या फिर आर्ट वर्क चैनल पर देख लेना। तो चलो, तो कुनाली जाएगा आज हमारे साथ आज की लास्ट राइड पे। कुनाली चले क्या, कहाँ चले? चप्पल पहन दो। चप्पल तो पहन लो, कपड़े चेंज कर दो इसके। कर दो पहले कपड़े बदल ले इसके। क्या? ऐसे भैया ने कितने अच्छे कपड़े पहन के जा रहा है, देख कितने ऐसे ही कपड़े पहन के जाएगा पागल, देख कैसे हो रहे बहुत गंदे हो रहे हैं, चेंज कर लो। कल भी आपने यही डाले थे। क्या गिलहरी अंदर जाके दिखाऊंगा? चलो चलो कहाँ है? बैम्बूज। कुनाली क्या है ये? बैम्बूज। शायद अभी तो है चार लिया आपसे जाने का। हम निकल पाएंगे क्या यहाँ से? नहीं नहीं, स्वागत नहीं करोगे हमारा? बाइक तो ले जानी, अभी बाहर ही कर देता हूँ। दो दो यहाँ का माहौल देखो गाइस कैसा हो गया है। ये वाला आगे आ जाएगा लाठी। जा रहे हो? जा रहे हो? जा रहा हूँ। फिर आ रहा है ना शादी से? बाय गाइस, मैं भी जा रहा हूँ, बाय। ये देखो सामान। अरे वाह, पैसे पैसे। अरे मुझे नहीं चाहिए चाची। नहीं 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 नहीं, मम्मी रो रही है। कुनाली ठीक है, बस स्टैंड में मिलते हैं। हम भी जा रहे हैं, बाय। तो हम ऐसे बाइक में जा रहे हैं और कुनाली वहाँ पे है रिक्शा में और पापा जी पीछे स्कूटी में। अब तो गाइस पल पल बहुत मुश्किल से निकल रहा है, कुनाली जाने वाला है बस। ये देखो कुनाली हो गाइस, कुछ पता ही नहीं है उसको, लग रहा है अभी वैसे घूमने जा रहे हैं, शाम तक वापिस आ जाएंगे, शाम तक हमको मिलेगा वो। भैया दिए भाई एक चिप्स देना, इसमें क्या चल रहा भाई? हमारी वीडियो बन रही है। अच्छा हाँ जी, कौन सा है ये? लेस वगैरह नहीं है क्या? चलो दे दो, यही दे दो। लो कुनाली जा रहे हो? सच में जा रहे हो? कहाँ? अब नहीं आओगे यहाँ? सो गाइस अभी मैं घर पे आ गया हूँ और कुनाली एकदम से बस आ गई थी, तो कुनाली उनको बिठाया जल्दी जल्दी, मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था। तो अभी कुनाली जा चुका है, घर बिल्कुल सुनसान हो चुका है, मम्मी रो रही। हाँ बस अब पता नहीं क्या होगा, अब तो बस उसी की याद आएगी, हर बात में उसी की याद आएगी। तो हाँ अब मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ और देखते हैं बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।